अस्सलाम वालेकुम, रोही फनी व्लॉग में खुश आमदी। तो पिछली वीडियो में बहरहाल आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा तूड़ी को स्टोर करने का जो भी ज़खीरा होता है वो कैसे स्टोर किया जाता है और कैसे इनको लिपाई वगैरह की जाती है। तो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर आप नए आए तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही दिए गए घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि जो भी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बहरहाल हम इसी तूड़ी के जो भी ज़खीरा है इसके साथ सामने मतलब करीब आ चुके हैं, तो आपको दिखाता चलूँ। ये मैक्सिमम बहुत ही बड़ी ये मतलब बहुत ही बड़ा ज़खीरा है तूड़ी का, जो भी मतलब के पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले भी तफसील से आगाह किया था कि इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और काफ़ी एकड़ की जो भी तूड़ी होती है उनको इकट्ठा किया जाता है और ट्रैक्टरों के ज़रिए इनको इकट्ठा किया जाता है। तो बहरहाल आप देख सकते हैं इसकी लिपाई मुकम्मल हो चुकी है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको तरीक़ेकार भी बताया था कि सीढ़ियों की मदद से और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इसको लिपाई करने के बाद बहरहाल इनको स्टोर किया जाता है। और काफ़ी और भी गोदाम भी हैं, आपको मैं दिखा सकता हूँ वीडियो के अंदर कि और भी बड़े बड़े गोदाम मतलब कि तूड़ी के इकट्ठे किए गए हैं, स्टोर किया गया है। इनको स्टोर करने के बाद जब इनको इनको सेल करने की ज़रूरत पेश आती है तब इनको मतलब के ऊपर वाली जो भी तह होती है जिसको लिपाई करना कहते हैं, तो इसको उतारने के बाद इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो बहरहाल आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा मतलब के तूड़ी का ज़खीरा है। तो इस किस्म की वीडियो हम इस चैनल पर डालते रहेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अगली वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।